जी बिल्कुल, चूंकि 7 बजे से ही वोटिंग शुरू होने वाली है तो लोग कतारों में खड़े हो चुके हैं। हालांकि सुबह 6:30 से ही लोग यहां पहुंचने शुरू हो गए। तस्वीरें भी आपको दिखा सकते हैं, पीछे जो है हमारे आप देख पाएंगे लोग जो है कतारों में खड़े हो गए हैं। चूंकि ये मैं इस वक्त कुशीनगर में ही मौजूद हूँ और बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण स्थल है ठीक उसके बगल में ये बूथ बना हुआ है, अपर प्राइमरी स्कूल है और वहीं पे ये बूथ है। तो सुबह से चूंकि कुशीनगर एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे करीब 95% जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जो ग्रामीण क्षेत्र इसमें आता है, लिहाजा सुबह से ही लोग जो है कतारों में यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं और कुछ ही मिनटों बाद जो है वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन कतारें जो है अभी से लगनी शुरू हो गई हैं। जोश दिखा रहा है लोगों का कि किस कदर जोश है लोगों में वोटिंग को लेकर, और सुबह से ही गांव के लोग जो है यहां बूथ पर पहुंचने लगे थे वोट अपना अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। कुशीनगर कहा जा रहा है कि सबसे दिलचस्प लड़ाई यहाँ पे है क्योंकि लोकसभा की हालांकि बहुत वीआईपी सीट नहीं है और बहुत लंबा इतिहास भी नहीं है। 2008 में परिसीमन के बाद ये लोकसभा बना था, उससे पहले इसे पडरौना के नाम से जाना जाता था। 2009 में पहला लोकसभा चुनाव कुशीनगर में हुआ था और कांग्रेस के आरपीएन सिंह ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। एक बार फिर वो उम्मीदवार हैं और कहा जा रहा है कि कुशीनगर की जो लड़ाई है वो इस बार त्रिकोणीय हो रही है। एक तरफ बीजेपी से विधायक थे विजय दुबे, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। कहा जाता है कि वो यूपी के सीएम योगी के बहुत करीबी हैं और उन्हीं के आधार पर उनको टिकट यहां से दिया गया। राजेश पांडे इससे पहले यहां से सांसद थे, पार्टी ने इस बार उनका टिकट काटकर विजय दुबे को यहां से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा गठबंधन की तरफ से नथुनी कुशवाहा हैं जो कभी संघ से जुड़े हुए रहे हैं और अब वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और यहाँ से गठबंधन के टिकट पर उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जो तीसरी तस्वीर है वो आरपीएन सिंह की है, राजघराने से आते हैं और 2009 से पहले भी 2 बार उन्होंने जीत दर्ज की है, 3 बार लगातार 3 बार यहाँ से सांसद चुने गए हैं। इस बार भी मुकाबले में है वो और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ की लड़ाई जो है त्रिकोणीय है। जनता ये फैसला करेगी, जनता कतारों में खड़ी है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। वोटिंग के बाद ही 23 मई को नतीजे साफ करेंगे कि यहाँ का किसके हक में फैसला गया जनता का। लेकिन तमाम जो कुशीनगर के मुद्दे हैं, हालांकि चूंकि ग्रामीण इलाका बहुत ज़्यादा है तो किसान ज़्यादा यहाँ पे है, किसानों की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को लेकर लगातार सवाल भी उठाते रहे। पहले ये शुगर बॉल हुआ करता था, बहुत बड़ा इलाका था जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में गन्ना जो है उसका पैदावार होता था। गन्ना को लेकर बहुत शिकायतें रहीं, चीनी मिलें जो तमाम थे इलाकों में वो बंद हो गई थी। सरकार ने एक चीनी मिल जरूर शुरू की है लेकिन सारी चीनी मिलें अभी बंद पड़ी हैं तो उसको लेकर लोगों ने नाराजगी थी। सभी पार्टियों का फोकस भी किसान इस बार रहे हैं और खास करके इस इलाके में जो किसान की बहुलता यहाँ ज़्यादा है तो उनको टारगेट किया गया। मुद्दे विकास के लोग जो वोट देने आए हैं, कुछ देर पहले लोगों से बात हो रही थी कि विकास का मुद्दा हमारे लिए ज़्यादा है, राष्ट्र देश का मुद्दा ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखता है, मायने रखता है, तो उस आधार पर वोट कर रहे हैं। वोटिंग आज बस कुछ ही देर में शुरू भी होने वाली है, उसके बाद पता चल पाया गया कि जनता का मूड क्या था और किस तरीके से वोटिंग हुई है।
देखिए यूपी में अगर कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस दमदारी से लड़ रही है, जिसका जिक्र खुद प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि कुछ ही सीटें ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस लड़ रही है, बाकी जगह पर वो बीजेपी के वोट काटेगी, तो वो उसमें से एक सीट अगर आप माने तो वो सीट जो है कुशीनगर की हो सकती है। अगर रायबरेली, अमेठी, धौरहरा छोड़ दिया जाए, कानपुर छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद एक बड़ी जो सीट है कांग्रेस के लिहाज से वो कुशीनगर है, क्योंकि आरपीएन सिंह 2009 में यहाँ जीते थे। 2014 में जब मोदी लहर थी उनकी हार हुई, राजेश पांडे यहाँ से चुनाव जीत गए, लेकिन तब भी जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था, करीब 8% वोट से ही वो राजेश पांडे यहाँ पर जीत पाए थे, तो बड़ा अंतर नहीं था। हालांकि इस बार दूसरा फैक्टर है, इस बार एसपी बीएसपी जो है अलायंस एक साथ है, तो थोड़ी मुश्किलें इनके लिए हो सकती हैं। सर आप जाइएगा नहीं आगे, नहीं भाई भाई जी उंगली दिखा दीजिए एक बार महाराज जी, आगे चल रहा है ना पीछे विवेक ऑन कर लेना माइक। भाई चलो उधर चलो, उधर उधर पोडियम बना, बाहर चलिए, यहाँ जहाँ पोडियम बना वहाँ चलिए, जहाँ पोडियम बना पोडियम पे चलिए, पोडियम पे चलिए, पोडियम पे चलिए बाइक के लिए, आपको बताया गया पोडियम पे चलिए बाइक के लिए, आइए आइए पोडियम पे चलिए बाइक के लिए, वहाँ चलिए बाइक होगा, वहीं बाइक होगा, वहीं रजनीश आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ, आइए मेरे पोडियम पे चलिए बाइक के लिए, चलो नीचे हटिए भाई, हटिए भाई, हटिए साइड 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 Thank you.
क्या नहीं हो पाएगा। कि देश हित में काम करोगे, जनहित में निर्णय लोगे तो सार्वजनिक जीवन में टिके रह पाओगे, अन्यथा सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं होगी। और ये पहला चुनाव रहा है, हमने सातों चरणों को देखा है, पूरे देश के अंदर देखा है कि जब पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के इर्द गिर्द ही टिका रहा, स्वाभाविक रूप से आम जन के मन में जो उत्साह, जो लालसा 5 वर्ष के कार्यों के प्रति देखने को मिला है, और जिस प्रकार से आजादी के बाद पहली बार जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, वंशवाद की दीवारें दरकती हुई दिखाई दी हैं, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक शुभ लक्षण है। उत्तर प्रदेश में 6 चरणों के चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं, आज 7वां चरण चल रहा है, और 7वें चरण के चुनाव के साथ ही देश के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस महापर्व में, प्रदेश के सबसे बड़े राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करने की जो एक प्रतिबद्धता थी उसको भी पूरा किया जा रहा है। हमारे 67 लोकसभा सीटों पर पहले ही चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आज 13 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आम जन ने, आम मतदाता ने जिस उत्साह के साथ लोकतांत्रिक भावनाओं का सम्मान करते हुए इस पूरे चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित की, उस भागीदारी को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से, आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, आपके अपने दल हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की प्रति निष्ठा को व्यक्त करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से पूरे निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा करने में जो अपना योगदान दिया है वो सचमुच बहुत ही सराहनीय रहा है, अभिनंदनीय रहा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज के निर्वाचन के साथ ही निश्चित ही 23 मई को जब परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 300 प्लस का लक्ष्य अपने दम पर और अपने सहयोगियों के बल पर 400 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी पूरे देश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 74 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होगी। और मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र के इस पर्व को हमें उत्साह और उमंग के साथ लेना चाहिए, व्यक्तिगत राग और द्वेष से ऊपर उठ करके विशुद्ध रूप से हमें इसे एक उत्साह और एक पर्व के रूप में ही इसे मनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत पहला लोकतंत्र है दुनिया का जिसने मताधिकार के उपयोग की स्वतंत्रता बिना भेदभाव के हर वर्ग, हर लिंग और हर वयस्क मतदाता को देश के अंदर प्रदान किया है, बशर्ते वह भारत का नागरिक है। स्वाभाविक रूप से जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो इंग्लैंड के अंदर वहाँ की महिलाओं को चुनाव में भागीदार और मतदान का अधिकार 1956 में प्राप्त होता है, लेकिन भारत के अंदर यह अधिकार 1952 में पहले आम चुनाव में ही प्राप्त हो गया था। स्वाभाविक रूप से भारत का लोकतंत्र आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के साथ साथ सबसे परिपक्व लोकतंत्र भी बन चुका है, और जनता ने जो रुझान दिखाया है, हम आम जनमानस का इस रुझान के प्रति अभिनंदन करते हैं, और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरे देश के अंदर मोदी जी के प्रति जो उत्साह था आम जन के मन में, जाति, क्षेत्र, भाषा,